राजस्थान विधानसभा सत्तर पहला सत्र राजस्थान जो बीजेपी सरकार बनाई है उन्होंने पहला सत्र बुलाया। शपथ जो ग्रहण समारोह था वो खत्म हो चुका है। हमारे साथ डीडवाना से निर्दलीय विधायक जीते जो हम मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि क्या विकास के मुद्दे रहेंगे क्योंकि सरकार में है निर्दलीय विपक्ष में बैठ के अपना काम उठाएंगे। राजस्थान में सबसे बड़ी जो समस्या है वो पीने के पानी की है और अभी 13 जिलों के लिए ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जो अधूरा पड़ा है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी और माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो ईस्टर्न राजस्थान से आते हैं वो उम्मीद है कि उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आते ही सबसे पहली कलम हम उसी पे चलाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि वो इस परियोजना की स्वीकृति जारी करेंगे जिससे लोगों को लाभ मिले। दूसरा हमारा सीकर, झुंझुनू और चूरू तीन सिकावट के क्षेत्र में यमुना का पीने के पानी की जो अटकी भी जो योजना है वो भी आएगी और IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना जिसमें आपका गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर ये आते हैं और माननीय मंत्री जी का क्षेत्र भी वही है, तो मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी और माननीय जल शक्ति मंत्री जी दोनों मिलकर के राजस्थान के पीने के पानी की समस्या का समाधान करेंगे और नर्मदा का जो हमारा इश्यू है गुजरात के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी मिलकर के इसका स्थायी समाधान करेंगे तो राजस्थान के ये जो मूलभूत जो समस्या है उसका समाधान जब भी हो पाएगा उस पर तत्परता से और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए भजनलाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाया हमारी शुभकामनाएं और बधाई और हम उम्मीद करते हैं कि युवा हैं और डबल इंजन की सरकार है तो राजस्थान को उसका लाभ मिलेगा। अब उनकी कार्य करने की पद्धति क्या रहती है वो तो भविष्य के गर्भ में है, मैं अभी नहीं बोल सकता। हम तो शुभकामनाएं दे सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि अच्छा काम करेंगे। विशेष मुद्दे जो आपके क्षेत्र में देखिए वहाँ सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार एक नंबर पर, पीने का पानी उससे ऊपर, क्योंकि वहाँ 4,000 करोड़ रुपए खर्च करके तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी ने और मैं वहाँ से विधायक और मंत्री था उस समय ये योजना हमने पूरे जिले में लागू की। आज पानी के आवंटन के अभाव में और कुप्रबंधन के कारण लोग पानी नहीं पी पा रहे हैं इतने बड़े पैसे खर्च होने के बाद, तो सबसे पहले उसकी वितरण व्यवस्था सुधरे और लोगों को पीने का पानी मिले ये हमारी प्राथमिकता है। उसके बाद में नगर पालिका में भ्रष्टाचार है, तहसील में, SDO कोर्ट में, और जिस तरीके से पिछले 5 साल में कुशासन चला है, जनता त्रस्त है, उससे उनको रिलीफ कैसे मिले उस और हम उन मुद्दों की हमने प्राथमिकता तय की है और मैं आपके माध्यम से निर्माणा की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं तत्पर भी रहूंगा, सजग भी रहूंगा और निरंतर रूप से काम करूंगा। जब लगातार जो दावे किए जाते थे हैवी मुद्दा रहा है पेपर लीक का, युवाओं को लेकर जोश था। आप पेपर लीक की बात करें मैं तो ये कह रहा हूँ कि लोग बेरोजगार बैठे हैं, उनको रोजगार दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 65% युवा 35 साल से नीचे के हैं, हमारा युवा राजस्थान युवा भारत है, उनको रोजगार चाहिए, उनकी रोजगार की व्यवस्था करो। पेपर तो लीक का रोकने का काम सरकार का है वो तो करे, लेकिन पेपर लीक के बहाने से रोजगार को नहीं रोक, लोगों को रोजगार मिले और फुल प्रूफ काम करे सरकार और उनकी प्रायोरिटी SIT गठित करने से नहीं, उसकी मॉनिटरिंग करके रिपोर्ट लेकर लोगों को रोजगार दे। SIT मान लीजिए 6 साल में 5 साल में रिपोर्ट देगी क्या करोगे आप, 6 महीने बाद देगी क्या करोगे आप। इसलिए मेरा ये आग्रह है कि ये पैरेलल चलती रहेगी SIT, लोगों को रोजगार देने की पहले व्यवस्था करें। युवा बहुत परेशान है, फ्रस्ट्रेशन में। अब हो सकता है शुभ समाचार लाए हो, इन लोगों को उम्मीद है मंत्री बनने की। भाई हम तो कह रहे हैं जिसको भी मौका दे तो सही, युवा को दे, बुजुर्ग को दे, अनुभव को दे, नए को दे, जिसको भी दे तो सही। अपना मंत्री नाम नहीं, मैं किसी दौर में नहीं और नहीं मैं मतलब मैं निर्दलीय चुन करके आया हूँ, मेरा काम मैं समझता हूँ और मेरी मर्यादाएं भी और लिमिट भी मैं समझता हूँ, इसलिए न तो मैं उम्मीद करता हूँ और न मैं इस और कभी सोचता हूँ। एक विशेष संदेश जो CM के लिए, मैं भजनलाल जी हमारे मित्र हैं, हमने भारतीय जनता पार्टी में साथ काम किया है और उनसे एक ही निवेदन है कि वो काम जल्दी शुरू करें और जनता के हित के काम को प्राथमिकता दें। लोगों को राजी करने से नहीं होगा, हमारे 8 करोड़ लोगों का ध्यान रखिए, कुछ लोगों का ध्यान रखिए, जरूरत नहीं है, आपको काम करने की जरूरत है। ये थे डीडवाना विधायक, निर्दलीय विधायक जीत कर आए यूनुस खान, जिनसे हमने बात की। वो लगातार जो दावे किए जाते थे पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जो फेल हुए हैं और
जो बीजेपी ने माहौल बनाया और सरकार में आई है, सत्ता में आई है, तो कहीं ना कहीं जो दावों की पोल है वो आयुष खान ने साफ कर दिया है कि जो जला सलमान सीएम बने हैं उनको जोर काम करना होगा और लोगों को साथ लेकर चलना होगा, सबको कुछ करना होगी, प्राथमिकता रहेगी, काम बातें करने से ही, काम करने से काम होगा और उससे विकास होगा। कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ संदीप अरवाल, द नगरी मीडिया, जयपुर।